यार पानी बहुत भयंकर है, मतलब यहाँ का जो पानी है ना उसको देख के लग रहा है गहरा बहुत होगा यार। तो ये जो ब्रिज है ना इस पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताए भैया ने मोदी जी आ रहे हैं। आज है एक और नया दिन 28 जैन, और आज हम निकल पड़े हैं लखनऊ घूमने। हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की ऐसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस। ये रहा अपना टोकन, चल रहा है ले करते हैं, टच करते हैं। वाह वाह, यहाँ के एलिवेटर भी बिल्कुल नए। अब मैं ले जा रहा हूँ, मेरे को जल्दी से पकड़ लेनी चाहिए ट्रेन। यहाँ के मेट्रो ऑलमोस्ट सिमिलर है यार दिल्ली की तरह, थोड़ी सी सिमिलर है और कुछ थोड़े डिजाइन चेंज किए हैं, बाकी सब कुछ सिमिलर ही लग रहा है दिल्ली जैसा। वाह, ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन, एक तरफ चारबाग है एक तरफ लखनऊ जंक्शन है। क्या बात है यार, ब्रिलियंट। सो फाइनली वी आर अराइव एट लेखराज मार्केट। लेखराज मार्केट से उतरने के बाद मेरे को जाना है गोमती रिवर फ्रंट के अंदर। वैसे मैं चारबाग से भी जा सकता था, लेकिन मेरे को जाने का है थोड़ा, मतलब मेट्रो घूमने का था कि देखते हैं कैसा दिखता है पूरा लखनऊ। तो ये है वो मेट्रो मैप, लखनऊ का मेट्रो ज़्यादा लंबा नहीं है, एक ही लाइन में आ जाता है अपना दिल्ली का तो आ जाता है। वैसे मैं यहाँ से चारबाग, वहाँ से आया था मैं सिंगार नगर से चारबाग, बट मतलब चारबाग आ सकता था, चारबाग से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ तक घूमने का मतलब मेरे को अच्छा लगा कि चलो घूम के देखते हैं कैसा दिखता है मेट्रो। ये कुछ इस प्रकार का टोकन है जो कि दिल्ली में थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको डालते हैं सीधे मेट्रो में। अच्छा आई मीन मेट्रो कॉर्नर में, तो ये नेक्स्ट एग्जिट का कॉर्नर। वाह ग्रेट, अभी मेरे को निकलना है संजय गांधी पुरम कुकरेल की तरफ, मतलब यहीं पे इस तरफ से जाके पहले मेरे को घूमना है गोमती रिवर फ्रंट, और उसके बाद जाना है अम्बेडकर पार्क जो यहाँ पे बहुत सारे हाथी वगैरह बने हुए, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। इधर से एग्जिट। तो दिल्ली और लखनऊ की मेट्रो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत चेंज था क्योंकि ये नया बना है, तो यार इसलिए घूमने का बनता था। मैंने देखा यार अच्छा लगा, काफ़ी कुछ चेंजेस थे जो दिल्ली मेट्रो में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हैंडल पे अलग एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ देखा आपने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपने देखी। माय गॉड, कितना बड़ा गोमती ब्रिज है यार, काफ़ी दूर तक बना हुआ है ये। बट पानी यार दिल्ली की तरह मतलब गंदा कर रखा है, प्योर काला पानी है, मतलब बचा ही नहीं कुछ यार। इतना बड़ा ब्रिज और पानी बिल्कुल भी नहीं है। वाई वाई वाई, इधर एक बोट भी है सामने देख पाएंगे, यहाँ पे एक बोट खड़ी हुई है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं इस गंदे नाले में। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? वाह लखनऊ क्या बात है, ये बलून देख रहे हैं आप, G20 जो अभी G20 के बारे में कुछ बात करी थी वो चीज़।
G20 में अपना भी देश में अपना देश G20 में भाग ले रहा है ना, उस वजह से यहाँ पे G20 का बलून लगाया हुआ है। बाकी ये चौक बहुत मस्त है, डिजाइन बहुत अच्छी है, आपको दिखाते हैं आगे बढ़ के। पहले लखनऊ की गोमती रिवर दिखा देते हैं, गोमती ब्रिज से गोमती नदी तो दिखाना बनता है ना यार। वाह यार पानी बहुत भयंकर है, मतलब यहाँ का जो पानी है ना उसको देख के लग रहा है गहरा बहुत होगा यार। क्या मतलब एक डुबकी मार ली जाए एक डुबकी मार ली जाए इस पानी में भाई 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 यहाँ पे एक बंदर अपनी बंदरिया को फील देता हुआ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये वाला दर इसका बंद पड़ा है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, रोक दिया गया है, केवल इस वाले में पानी आ रहा है, उसके बाद बाकी सारे ही बंद है, मतलब धीरे धीरे उधर से धीरे धीरे पानी आ रहा है, बाकी ये तो प्योर बंद कर रखा है पूरा तरीके से। हमको उधर से घूमते हुए वो जो ब्रिज है ना उस पे क्रॉस करके जाना है, यहाँ पे एक नाव से एक बंदा नाव पे घूम रहा है, एक नहीं दो लोग, चलो चलते हैं पीछे से दूसरे जो सामने वाला ब्रिज है ना उस ब्रिज से क्रॉस करते हुए आपको लेके चलते हैं सामने जो बना हुआ है। वाह यहाँ जाना है हमें अम्बेडकर पार्क, तो ये है समता मूलक पार्क, ये देख पा रहे हैं आप कितना मस्त बना हुआ है यार, सुपर यार सुपर मस्त लग रहा है। समता मूलक चौक है ये, और यहीं पे बांधा हुआ है ये G20 का बलून, ये भी तो मस्त लग रहा है यार। ब्रिज पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ब्रिज को ना तैयार किए जा रहे हैं, देखो लाइटें वगैरह लगाई जा रही हैं, इस ब्रिज पे काफी वर्कर लोग लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, आई थिंक कोई प्रोग्राम होगा उसी लिए लगा रहे हैं। और ये रहा गोमती का ब्रिज, उधर से दिखाया था ना अभी, मैं उस साइड था वहां से मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला दर बंद था और ये इसमें पानी आ रहा था, और इस ब्रिज की बात कर रहा था, इस ब्रिज से मेरे को जाने का है। तो ये जो ब्रिज है ना इस पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताए भैया ने मोदी जी आ रहे हैं, तो पक्का नहीं पता कितने तारीख को आ रहे हैं यार, मस्त लग रहा है यार, चारों तरफ लाइटें वगैरह लगाई जा रही है ना, यहाँ पे काफी सारे लोग काम करते हुए, इन्होंने मेरे को मेरा नंबर वगैरह भी ले लिया, उन्होंने बोला कि मेरे को वीडियो भेजना तो मैं उनको वीडियो भेज दूंगा। बाकी काफी लोग यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप सारे, ये जो लोग हैं सारे काम पे लगे हुए हैं। इस ब्रिज को फिर से रिनोवेशन कलर वगैरह किया जा रहा है, लाइट्स वगैरह लगाई जा रही हैं, और टिकटॉकर्स तो भाई आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे इस प्रकार के, तो फोटो खींचते हुए। ये जो गंदा पानी ना इसका रीजन यही हो सकता है, देख रहे सामने से, मतलब इस कदर गंदा पानी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ये पानी, देख रहे यहाँ से पानी आ रहा है गंदा, बिल्कुल पूरे लखनऊ का पानी इसी में धकेल दिया जाता है, इसी वजह से ये पानी इतना काला है ना भाई, कि ओरिजिनल पानी तो यहाँ आ ही नहीं पाता, ये सब नाले का पानी ही चलता है यार। बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ रेनोवेशन का काम चलता हुआ, अभी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट व्यू। ये है गोमती रिवर फ्रंट, और इसको एंटर करने के लिए आपको लगेगा 10 रुपए का शुल्क, गोमती रिवर फ्रंट। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं भाई क्या ही मस्त लगता है यार, काफी अच्छी जगह है यार भाई भाई भाई। यहाँ कुछ खास ज्यादा क्राउड नहीं रहता है, क्योंकि ना जैसे कि लोगों को इतना, यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादा ही ऑलरेडी घूमने को चुके होते हैं, तो बाकी लोग जो बाकी दूसरी कंट्री से लोग इतना, मतलब दूसरी स्टेट से इतने लोग नहीं आते हैं घूमने के लिए, नॉर्मली लोग आपको मिलेंगे थोड़े बहुत घूमते हुए। और अब दिखाते हैं आपको मेन चीज जो आपको दिखेगी नदी के किनारे, यहाँ से हम लोग एंटर कर सकते हैं, ये है रिवर का जो मेन पोर्शन है वो यहाँ से दिखता है, बाकी काफी अच्छा व्यू लगता है यार यहाँ से, ये गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था, वाह वाह वाह। ये वाला जो ब्रिज है जिसमें उधर का दिखा रहा था, उसके बाद दूसरा वाला ब्रिज है जो उस तरफ से मैं आपको दिखाया था। इस पार्क में यार हर तरफ कपल्स ही कपल्स हैं, बाकी और कुछ नहीं है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, हम ही बेवकूफ हैं, सिंगल आते रहते हैं घूमने। तो यार बकचोदियां हर जगह हैं यार, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, अगर आप अकेले आ रहे हो ना 10 रुपए आप मत दो, वही बेटर है यार, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की ओर, यहाँ व्यू बहुत अच्छा है यार, अगर आपको फोटोज वगैरह सेल्फी वगैरह लेनी हो तो आप ले सकते हैं, पीछे बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। और अब आपको लेके चलते हैं आगे की। भाई भाई भाई, क्या ही लग रहा है यार, क्या ही लग रहा है, यह गोमती रिवर फ्रंट
और सामने आपको चारों तरफ काला पानी दिख जाएगा। फोन बच गया, मेरा भी गिर जाता। अगर फोन पानी में गिर गया ना तो भाई 25,000 के लग जाएंगे। अच्छा तो लखनऊ में अगर आपको गोमती नगर का मतलब फ्रंट एंजॉय करना हो तो आप सबसे पहले यहीं आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से आप गोमती नगर का एंजॉय कर सकते हैं, गोमती नगर का व्यू देख सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। तो मैंने अभी एक भी सेल्फी नहीं ली है, मैं भी यार एक दो फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ अभी इन दोनों में से किसी एक में, बस मेरे को कोई बकचोदियाँ करता ना मिल जाए, मेरे को बस वही पसंद नहीं है यार। तो ये है फ्रंट, जो कि गोमती रिवर का फ्रंट। वाह यार मस्त लगता है, यार मस्त लगता है। अभी मैं आपको थोड़ा अंदर चल के दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ना आपको चारों तरफ यही चीज़ दिखेगी, आपको चाहे भी कहीं भी चले जाइए हर जगह आपको एक ही चीज़ दिखेगी, वो दिखेगी। असंभव, असंभव, बेचूद असंभव। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि यार ज़्यादा कुछ खास नहीं है घूमने लायक। तो ये एंट्रेंस है, सामने ही आपको अशोक स्तंभ का दिख जाएगा। भाई कितना मस्त, अशोक स्तंभ नहीं, आई थिंक ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो आपको सामने से ही दिख जाएगी। सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, भाई क्या ही लग रहा है यार, मस्त व्यू आ रहा है यार। सामने से दिखाता हूँ आपको एक बार। हम यहाँ पर एंटर करते हुए ये छोटे छोटे हाथ इस तरफ भी, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी हैं, और सामने ही आपको देख जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ से आपको जैसे ही आप लेफ्ट में मुड़ाओगे अपना कैमरा तो सामने ही दिखेगा आपको ये सबसे बड़ा आर्किटेक्चर। इसको देखते हैं एक बार, बहुत ही मस्त है। चलो वहीं पे चलते हैं आप सीधे। तो उस तरफ का जो पोर्शन है उसके बाद जैसे ही आप राइट में अपना कैमरा घुमाओगे तो एक तरफ सेम टू सेम पोर्शन यहाँ भी है, बट यहाँ पर जो है दो अंबेडकर मूर्ति नहीं है, मतलब उनकी जगह आपको यहाँ मायावती या कांशीराम की मूर्ति मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है यार। क्या ही व्यू आ रहा है भाई। यहाँ का कंस्ट्रक्शन ना बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया है यार, देख पा रहे हैं पत्थर ही पत्थर लगा हुआ चारों तरफ, बहुत ही मस्त लगता है यार देखने में। यार क्या ही स्ट्रक्चर बना के खड़ा किया है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे लखनऊ में भाई, और बीच लखनऊ में देखेंगे आपको। इधर आपको दिखेगी एलिफेंट गैलरी जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ है गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो कि चारों तरफ मुँह करके खड़ी हुई है, जिस प्रकार से अशोक स्तंभ बनाया गया था ना उसी पैटर्न में इसको बनाया गया है। भाई कितना मस्त लग रहा है यार, कितना मस्त लग रहा है। एंट्रेंस करते ही क्या ही व्यू आ रहा है यार, देख रहे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, दूर दूर तक सड़क ही सड़क, और ये देख पा रहे हैं आप अम्बेडकर मूर्ति, सॉरी बौद्ध प्रतिमा, क्या ही लग रही है यार। गौतम बुद्ध प्रतिमा से आप जैसे ही लेफ्ट में कैमरा घुमाएंगे सामने ही कितना मस्त व्यू दिखेगा यार, एकदम मस्त स्ट्रीट है, आपको जगह जगह बेंच भी दिख जाएंगी बैठने के लिए, बीच में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, आराम से आप देख पा रहे हो कितनी मस्त लग रहा है। इधर रिनोवेशन का भी काम चल रहा है, कुछ लोग रिनोवेशन का काम कर रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। अभी मेरे को जाना है इस तरफ, यहाँ मेरे को जाना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको ना अलग अलग मूर्ति दिख जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, और इसके नेक्स्ट वाले में शायद कांशीराम की मूर्ति, और उसके भी नेक्स्ट वाले में है शायद मायावती जी की मूर्ति। एंट्रेंस करते ही टिकट बूथ, यहाँ पे टिकट बूथ लिखा है और टिकट है नहीं है मुझे लगता है, हम लोग घूम सकते हैं इधर बिना टिकट के। ये वाला आपने देखा होगा जो अम्बेडकर पार्क गुड़गांव सॉरी नोएडा वाले में बना हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ ही बना हुआ है, और ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसकी पेंटिंग वगैरह चल रहा है। ये एंट्रेंस पे लगे हुए हैं चारों तरफ, दोनों तरफ एंट्रेंस पे लगे हुए हैं, और अब आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू यार, मस्त लग रहा है यार यहाँ से। भाई भाई क्या ही लग रहा है यार, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी आप देख पा रहे, नीचे तक दिख रहा है इसमें, और ये फाउंटेन है वह चल नहीं रहा है, पता है चलता होता तो ज़्यादा मज़ा आता यार। भाई साहब क्या ही लग रहा है यार, यही वाला इसी प्रकार का सेम फाउंटेन आपको देखने को मिला था नोएडा अम्बेडकर पार्क में, बट उसमें ये हाथी जो थे थोड़े बड़े बड़े थे, इसमें छोटे छोटे हाथी लगे हुए हैं। ये फाउंटेन थोड़ा चल रहा है बट ज़्यादा नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आ रहा है, और ये छोटे छोटे हाथी नीचे बैठे हुए हैं, क्या बात है। एक तो छोटा कितना नन्ना सा हाथी बैठा हुआ है, वाई वाई वाई।
तो यहाँ से मैं एक टिकट लेना पड़ेगा अंकल, टिकट का। तो यहाँ पे है 15 रुपए का टिकट मिल जाता है ये। अरे आ जा हाथ में। तो ये है अपना 15 रुपए का टिकट, जिसकी हमें एंट्री करने के टाइम इसको दिखाना पड़ेगा। इसको रख लेते हैं पीछे, फोटो खींच लो ना आज हम, फोटो बहुत मस्त आ रही है यहाँ से। तो अभी हम एंट्री, हमने टिकट ले ली है और हम एंट्री करने वाले हैं। एंट्रेंस के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से एंट्री है, यहाँ से काफ़ी लोग एंट्री कर रहे हैं, तो मेरे को भी चलने का है। और अब आपको अंदर से दिखाते हैं, काफ़ी पैदल चलने के बाद फाइनली एंट्री गेट मिल गया मुझे। वाह ये नाजिम, ये रहा हाथी का पिछवाड़ा, इस पे आप आराम से चढ़ के बैठ सकते हो, घूम भी सकते हो यार पत्थर। ओ भाई बच गया भाई, एंट्रेंस करते यार चारों तरफ दूर दूर तक अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग स्ट्रक्चर, तरह तरह के डिजाइन यार, नेक्स्ट लेवल। बस मजा आ रहा है यार, रपटने में फील आएगा इसमें। मेरे को इसे फिसलने का मन कर रहा है, एक दो बार लोट मार लूं क्या इसमें यार। यहाँ पे काफी शांत और सुहावा ठंडा माहौल है यार, नीचे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पे अम्बेडकर जी लाल, जो अपना संविधान था जब कम्प्लीट हुआ था 26 जनवरी को, इनको सौंपते हुए ये। और ये है दूसरा पोर्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके वाइफ और आई थिंक